हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं माध्यमिक परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए एबीटीए का मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 34, पेज 34 का 6 नंबर का सवाल। ठीक है, तो अब देखिए 6 नंबर का सवाल में क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कि a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इजकल टू ए प्लस बी, एक्स डज नॉट इक्वल टू वन बाय ए और वन बाय बी। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए ठीक है हम लोग यहाँ पे किस नियम को फॉलो करेंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आपको करना क्या है, a डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन के साथ b को ले आएंगे। ठीक है, तो b को जब लाएंगे तो माइनस में चला आएगा, और इसके साथ b डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन के साथ ए को ले आएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो, चूँकि ए और बी दोनों को हम क्या किए हैं, बारी बारी से, है ना, ए एक एक साइड ले आए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व जब करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर आएगा ए एक्स माइनस वन एलसीएम a माइनस, अब इसको वन से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, अब b से इसको मल्टीप्लाई करें तो a b x, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करिए तो b x माइनस वन, इसमें डिवाइड करेंगे तो b आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद b आएगा, फिर उसके बाद वन से डिवाइड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस, और ए को गुना करेंगे वन से तो ए आएगा इज इक्वल टू जीरो आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये और ये दोनों एक ही है। इसको अगर सजा कर लिखें तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन, अब प्लस इसमें ए को पहले कर दें तो ए माइनस ए बी एक्स अब प्लस बी डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो लिख सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये और ये दोनों सेम है। जब सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ए माइनस ए बी एक्स अब प्लस बी कॉमन ले लें, आएगा वन डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक बार अगर हम इसको रखते हैं लेफ्ट साइड और इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ पर माइनस ए बी एक्स को इधर रखिए बराबर माइनस ए माइनस बी, ये बराबर के उधर चला गया, या माइनस ए बी एक्स इजकल टू माइनस, इसको ए प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, तो ए बी एक्स इजकल टू आया ए प्लस बी। ठीक है, इसलिए एक्स बराबर जब निकालेंगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ए का आंसर हमारा ये निकल गया कि एक्स का मान ये आ सकता है, लेकिन x का मान दूसरा भी आ सकता है। इसको फिर क्या करेंगे, जीरो से तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे तथा दूसरा क्या आएगा, वन बाय ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाय बी एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो। ठीक है, और क्योंकि अब इसको बराबर के इधर करेंगे तो इतना बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसको अगर एलसीएम लें तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। ठीक, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स
माइनस वन, आप प्लस इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस वन कट जाएगा तो ए एक्स माइनस वन बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ें और अब यहाँ पर देखिए माइनस वन माइनस वन तो माइनस टू होगा, तो बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बाय वन। ठीक है, अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए बी एक्स आप प्लस ए एक्स को इधर रखेंगे और टू को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए होगा, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर टू। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए कि हमारा x बराबर क्या आया, टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी हमारा x का मान इसलिए x बराबर एक आया था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और दूसरा आ गया था टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और ये दोनों ही क्या है, आंसर है। क्लियर है ना, पहला वाला क्या आया था ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, और दूसरा वाला क्या आ गया टू डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और यही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ें और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में है, यहाँ से देखिए, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना, आर इक्वल, देन प्रूव दैट ए बाय बी बराबर सी बाय, है ना, डी। तो अब इसमें कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बाय बी बराबर सी बाय डी यदि इसका मूल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, इसका रूट क्या हो, इसका रूट इक्वल हो, ऐसा बता दिया गया है कि इसका रूट क्या है, इक्वल है, ठीक है, समान भी है और इक्वल है, आर इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले इक्वेशन, ठीक है, लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस बी डी, अब प्लस दिया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ बताइए कि ए इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या है, माइनस टू ए सी प्लस बी डी, क्लियर है, और सी इज इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना दे दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मूल क्या है इसका, समान है, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और क्या है, समान है, वास्तविक तथा समान है। देखिए अगर दोनों मूल वास्तविक और समान होता है तो हमें सूत्र क्या मिलता है, इसलिए बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो होता है। तो अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर की जगह पे हम बैठाएंगे या माइनस टू ए सी प्लस बी डी, ठीक है, का होल स्क्वायर इजकल टू फोर इंटू ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके जगह पे, सी के जगह पे, यहाँ देखिए सी के जगह पे लिख लिए हैं। अब ध्यान से इसको समझते जाइए, इसको अब केवल हम कैलकुलेशन करते जाएंगे और हमारा जो सिद्ध करने वाला है वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर है तो इसको हम दो गुना दो चार कर सकते हैं, माइनस दो गुना माइनस दो प्लस चार, तो इसको चार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी अब प्लस
बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इसको कर लिए हैं स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। 4 4 क्या करते हैं, हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD अब प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, क्या किए हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, इसमें जो कट जाता है उसको काट ही दीजिए, है ना, और क्या क्या बचा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे है, कट गया, कट गया, तो आपके पास बचा क्या है, मेरे पास इधर बचा है 2ABCD और इधर क्या बचा है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक, यही बचा। अगर हम सबको एक तरफ ले आए तो इधर 0 बचेगा, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, अब -2ABCD इसको बराबर के इधर ले आए अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब 0 बराबर, यहाँ बताइए AD अब -BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2ABCD प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसलिए इसको हम ए स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बैठाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और इसलिए तब यहाँ पर हो जाएगा AD -BC का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या हुआ, रूट हो गया, ठीक है, AD -BC, ठीक, अब क्या होगा, रूट 0 मतलब 0 बराबर AD -BC, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मिलने वाला है, और AD -BC बराबर 0 लिख सकते हैं, या AD बराबर मिलेगा BC, या जो सिद्ध करने के लिए कहा a बटे b बराबर c बटे d, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पे a जहाँ है वहीं है, b को बराबर के इधर लाएं बटे में आया, c जहाँ है वहीं है, d को इधर लाएं, और यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्लियर है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।